गाइस वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम वर्ल्ड अवार्ड्स की। सो इट्स वन ऑफ द टॉपिक ऑफ जनरल नॉलेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो कंटेंट में जो बात करने वाले हैं अवार्ड्स की, और ये अवार्ड्स सारे के सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करेंगे, वर्ल्ड अवार्ड्स की बात करेंगे। और फर्स्टली बात करें तो हमारा अवार्ड आता है नोबेल प्राइज। और एज यू नो कि नोबेल प्राइज इट्स एन एनुअल इंटरनेशनल प्राइज जो है वो फर्स्टली अवार्डेड किया गया था 1901 में फॉर अचीवमेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड ऑल दैट। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1895 में। और देन उसके बाद जो इसके इन्वेंटर थे वो थे अल्फ्रेड नोबल। ओके, सो इनको बेसिकली अल्फ्रेड नोबल जो थे ही वॉज इन्वेंटर ऑफ डायनामिक। ओके, एंड फर्स्टली एक्चुअली बाद में जब उनको पता लगा कि हाउ मच इट इज डिस्ट्रक्टेड, उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी फील किया था इसके लिए। बट लीव दैट, हमें ये पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट पहला आपको पता लगना चाहिए कि नोबेल प्राइज एक इंटरनेशनल प्राइज है जो एस्टेब्लिश हुआ था 1895 में, और फर्स्टली अवार्ड जो अवार्डेड किया गया था वो किया गया था 1901 में। ओके, सो अब हम बात करेंगे इसमें ईयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंस्टीट्यूट हुआ था 1919 में। फाउंडर इसके अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबल। उसके बाद नंबर ऑफ डिसिप्लिन जो है, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें अवार्ड दिया गया था वो है 6, और जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। उसके बाद फर्स्ट कपल, अब यहाँ पर आ जाता है मेन। ओके, डेट जो है वो 10 दिसंबर को अवार्डेड जो है वो किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन सभी लोगों की जिनको नोबेल प्राइज जो है वो मिले हुए हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करें कपल की, यहाँ पे फर्स्ट कपल टू रिसीव द नोबेल प्राइज तो वो है मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने शेयर किया था अपना नोबेल प्राइज विद हर हस्बैंड पेरी क्यूरी इन 1903 में। अपने इनको फिजिक्स में मिला था, एंड आफ्टर दैट लेटर उनको एक और अवार्ड मिला था 1911 में फॉर केमिस्ट्री। उसके बाद 3 नोबेल प्राइजेज इंटरनेशनल कमेटी जो है ऑफ रेड क्रॉस, उनको 3 टाइम जो है वो नोबेल प्राइज अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 1917, उसके बाद 1944, 1963। उसके बाद मेन आप इंडियंस की बात करते हैं तो फर्स्ट इंडियन जिनको रिसीव हुआ था वो रविंद्रनाथ टैगोर, उनको प्रोवाइड किया था लिटरेचर में इन 1930 में। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको मिला था वो थे मदर टेरेसा फॉर पीस इन 1979 में। ओके, सो अब बात करें, ये वो सभी कैंडिडेट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हम बात करते हैं इनके बारे में, हम पहले बात कर चुके हैं रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में मिला था 1930 में। उसके बाद चंद्रशेखर विक्रम वेनकांता रमन को, और इनको मिला था 1930 में फिजिक्स में, ठीक है, बेसिकली सीवी रमन है इनका शॉर्ट नेम, और इनको मिला था 1930 में। उसके बाद हरगोविंद खुराना, इनको प्रोवाइड किया गया था 1968 में फॉर मेडिसिन। उसके बाद मदर टेरेसा, इनको मिला था 1979 में फॉर पीस। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा, इनको प्रोवाइड किया गया था 1983 में, और ही इज एन इंडियन बॉर्न एंथ्रोफिजिस्ट। और देन उसके बाद जो प्रोवाइड किया गया था वो था अमृता सेन, और इनको प्रोवाइड किया गया था 1998 में फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये वो सारे हैं जिनको नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया है इंडियन नोबेल प्राइज। के बाद बात आती है मगेसी अवार्ड्स की, और मगेसी अवार्ड बेसिकली किन के नाम पर, किन की याद पे ही है, रेमोन मगेसी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, और इसमें 5 फॉलोशिप फंड्स जो हैं वो अवार्डेड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द फिलिपिन गवर्नमेंट। और वो कौन कौन से हैं, वो आगे आपका पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ओके, और ये एनुअली प्रोवाइड किया जाता है 31 अगस्त, जो बर्थ एनिवर्सरी है मगेसी की, और ये एस्टेब्लिश किया गया था 1955 में बाय द ट्रस्टी ऑफ रॉकेटफेलर ब्रदर फंड एंड बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। ओके, मगेसी अवार्ड के बाद बात आती है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। सो ये प्रेजेंट किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड द्वारा फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, और इनको यूएनआईसीएफ द्वारा अवार्डेड किया गया था 1989 में
और इस प्राइस में 33 लाख का कैश प्राइस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है आपका बुकर्स प्राइस। ब्रिटिश बुक प्राइस जो था वो सेटअप हुआ था 1968 में और ये हर साल प्रोवाइड किया जाता है फॉर अ नोबल पब्लिश्ड इन द प्रीवियस 12 मंथ एंड इट इज़ नोन एज द मैन बुकर्स प्राइज और इट इज़ कंफर्ड बाय द बुकर कंपनी ब्रिटिश पब्लिश एसोसिएशन। ये हाइएस्ट लिटरेसी अवार्ड है और इसमें 16,000 pounds का कैश प्राइस जो है होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है पुलिट्जर प्राइज और ये जो US अवार्ड है ये दिया जाता है फॉर अचीवमेंट इन जर्नलिज्म, उसके बाद राइटिंग में, उसके बाद म्यूजिक में और इसमें $10,000 तक का कैश प्राइज होता है। उसके बाद आता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड बेसिकली इंस्टीट्यूट हुआ था 1929 में और ये एनुअली प्रोवाइड किया जाता है बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर यूएसए और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है सिनेमा वर्ल्ड में और फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था वो थे बानो अथिया फॉर मूवी गांधी और सत्यजीत राय फॉर द फर्स्ट इंडियन जिनको अवार्ड मिला था फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992 में। ओके तो मतलब दो हैं, एक बानो अथिया जिनको गांधी के लिए मिला था और सत्यजीत राय को मिला था। देन उसके बाद द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1980 में बाय द राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन में और उसके बाद ये इट्स रिनाउंड एज अल्टरनेटिव नोबल अवार्ड फॉर मोर एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। उसके बाद महात्मा गांधी पीस प्राइज, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1995 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये प्रेजेंट किया जाता है फॉर इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइन ऑफ नोबल प्राइज। ओके सो गाइज ये थे वो सारे वर्ल्ड अवार्ड एंड मैंने डेट्स आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट डेट्स ही होती हैं इसमें और आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से, अगर आपको अवार्ड्स के नाम दे दिए जाए तो मे बी आपको यू मस्ट बी एबल टू यू नो अबाउट दैट विच वन इज वर्ल्ड अवार्ड एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स की। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।